ये क्या बात है, चाची के आज भी बोले तो फॉर्म में है। यहाँ के लोग, ये गांव है नरसिंहपुर और ये मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। इस गांव में बहुत प्यारी ये खूबसूरत सी मस्जिद दिखी मुझे, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का सफ़र जो होने वाला है इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होने वाला है और काफ़ी जगह जाना है, और चल के देखते हैं। और है रेस्टोरेंट, वहाँ पे मेरा दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो पहले उनसे मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद कहीं और निकलेंगे। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही नए नए प्लेस और नए नए जगह आप लोग को दिखाते रहूँगा। अभी बाहर का जाने का प्लानिंग था एक्चुअली, और कल सोचा था दिल्ली जाने के लिए, लेकिन दिल्ली जा नहीं सका क्योंकि थोड़ा मसले हो गए थे इसके लिए, तो मैं दिल्ली का ट्रिप कैंसिल कर दिया, कहीं और जाने वाला हूँ। अभी कि 2-3-4 दिन में मुंबई निकलूंगा, मुंबई से फिर कहीं और जाएंगे। फिलहाल अभी तो कुंडा में ही हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ, आप लोग को चल के दिखाते हैं जो भी है कहाँ जाते हैं। ओके, गाड़ी को यहीं पे पार कर लेते, उसके बाद भी चलेंगे, देखते हैं कहाँ पे आए कि नहीं आए वो लोग, मैं कॉल कर लेते। काफ़ी टाइम हो गया वो लोग आए कि अभी पता नहीं। ये देखिए, अरे यार मैडम नहीं यहाँ पे, ऐसे भी दोस्तों देख सकते हैं हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। तो है अच्छे अच्छे चल रहे भाई, अभी चल रहे हैं। क्या बोलते हैं, मिल गए ये पारू भाई है मेरे। अरे भाई चालू था, अरे चल रहा है। और बाकी सब बढ़िया है? चले अच्छा यार, मिलकर काफी अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद मुलाकात हुई। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा जो है। चले, और कुछ हमारे लोग को कहना चाहेंगे? भाई को जो है ज्यादा से ज्यादा में जो है सब्सक्राइब को लाइक करें, और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जो हमारे बचपन में, हम लोग साथ हमारे बचपन की दोस्ती है, और काफ़ी अच्छा लगा मुलाकात करके। सब अभी कहाँ कहाँ से लोग निकल गए पता नहीं, हम लोग मुंबई में रहने लगे भाई, यहाँ के चले गए अच्छा खासा है अलहमदिल्ला। आप क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? भाई बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका भी चैनल बनने वाला है भाई का, आप लोगों को नॉलेज के लिए मोटिवेशन के लिए आप लोगों को देंगे, मैं आप लोगों को लिख दे दूँगा अभी क्या बना लिया उसके बाद, ठीक है? तो काफी एंजॉय करिए। असली नाम बता दो भाई, नहीं तो मालूम पड़ा मालूम पड़े, ये हमारा बचपन का, इसके लिए हमने नाम लिया, नहीं तो आप बहुत गलत समझिए। अरे भैया, ओके, बहुत पुरानी मित्र हमारा, बचपन का दोस्त था इसके लिए, और अब यहाँ से हम देखते हैं कहाँ का सफर होता है हमारा और जिनका। ये देखिए हमारी लम्बा तैयार है, हमारी लम्बा तैयार है, इसे देख सकते हैं, और ये हमारा रास्ता है। किस नाम से भाई चैनल? दावल ब्लॉगर वाड़ी। दावल ब्लॉगर यार भाई, कहाँ के हैं? मैं कुंडई का ही हूँ। ये भाई लोग मिल गए मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। ओके, सपोर्ट पूरा है। बिल्कुल यार बिल्कुल, चले भैया। यही है ना पहले आप देखिए, हाँ हाँ ये दावल ब्लॉगर है, 20 स्टार्ट है, 20 है। इसलिए मसला कैसा था कि 20 कर रहा था ना, सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं 20 डाला फिर। कौन सा ये? ये है। ओके, चलो भाई शुक्रिया, अच्छा लगा भाई लोग से मिलके, बाय बाय। एडवेंचर होने वाला है आज का सफर, और जैसा कि अभी इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, गुंडा चौराहा पे है इस वक्त, और हम यहाँ से इसके निकलेंगे। ₹200। अरे अगर उतार के बोला करा समझू मावे। हाँ भाई साहब, कैसे का होगा?
बिल्कुल। अरे हाँ भाई साहब, मैं तो पैसे ही भूल जा रहा था, जल्दबाजी चक्कर में मसले हो जाते हैं, फिर आके दे देते। कहाँ जाने वाले थे? अरे तो कहाँ जा रहा, बात तो अपनी जगह। शक्ल नहीं जानते क्या हमारी, पहचान रहे? जाना चाहिए तो फिट चल गए। चले शुक्रिया। क्या पैसा ही भूल गया था मैं जल्दबाजी चक्कर में। यहाँ से हम जैसा सोच रहे हैं यहाँ से लेफ्ट मार के चलते, और ये जो रास्ता चले जाता है पता नहीं किस तरफ चले जाता है, मुझे नाम नहीं मालूम। और चलते हैं देखते हैं पहले इस तरफ ये कौन सा रास्ता है, और इस वाले रास्ते से चलते हैं अंदर और देखते हैं इस वाले गांव में। आज थोड़ा गांव विजिट करेंगे और काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेगी गाँव में। यहाँ पर जैसे मंदिर देख सकते आप, मैं गाँव में इंटर कर चुका हूँ जैसा आप देख सकते हैं। ये खिदिरपुर लगता है, ये लालगंज के पास में है जो इस गांव में मैं आया हूँ। और ये रास्ता किधर चले जाता है इधर आईडी नहीं, और मैं इधर से पहले नहीं आया, मेरा जो आना जाना रहता था दोस्त इधर, तो मैं दूसरे वाले रास्ते आया करता था और जाया करता था वहाँ से। तो अभी मैं फ़िलहाल इस वाले रास्ते जाऊँगा, किधर जाऊँगा इतनी आइडिया, देखते हैं। और कौन से रास्ता ये कहाँ चली जाती है, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से कोई आइडिया नहीं, देखते एक मिनट किस वाले रास्ते चुनते हैं, शायद ये वाला मज़ा आएगा। ये नरसिंहपुर जाने के रास्ता इधर से जाएगी गाड़ी, ओके ये नरसिंहपुर के लिए रास्ता निकल जाता है, मतलब एक आगे से भी रास्ता है जो मेन है, लेकिन इस रास्ते से मैंने चुना, इस रास्ते से देखते पहली बार आ रहा हूँ मैं। और रास्ता ख़राब है क्योंकि मिट्टी की है, ये रास्ता पूरा मिट्टी का है। और जैसा देख सकते आप, जैसे कि नहर में पानी आप देख सकते हैं, पानी है नहीं बिल्कुल, वो तो एक फीट पानी है बस खाली। और यहाँ बैर देखिए, ये देखिए बैर, वाह यार। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ रहा था यहाँ पे रास्ते में, काफ़ी सुनसान इलाका है ये और नहर के बाजू में बिल्कुल, और यहाँ पे बैर के खेत झाड़ है और दो तीन लड़के लोग तोड़ रहे, तो मैं भी सोचा कि देखते हैं चल के खाते हैं बैर। क्या बोलते इसका अपना है नहीं जानते, अरे उस साइड का है, तो आप लोग भी यहाँ तोड़ने आए हैं। ये देखिए झाड़ का मजा आ रही, मजाक नहीं सच्ची कर रहे हैं, खाऊंगा खट्टे लगे मीठे यार। और ये लोग मिल गए, इंजॉय कर रहे थे, मैं भी सोचा थोड़ा आके मस्ती करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, बैठ के खाने का मजा लेता हूँ। यहाँ पे इसका बागवान नहीं है कोई, कहाँ है? तो उस साइड है, काफ़ी बड़ा बाग है ये बैर का। अरे तुम लोग खाने आए हो खाली, तोड़ लें ये देखिए। और हम यहाँ से निकल रहे हैं बैर खाने में, बिल्कुल जंगल एरिया है और काफ़ी बड़ा बाग है ये बैर का है। और हम बाहर निकलते हैं और हम चलते आगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा बैर खाने में, दो तीन बैर खाया खटमिट्टी, मज़ा आ गया यकीन करें। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, स्कूल है वो सामने वाला स्कूल है, बाजू में तालाब है और इतनी खेती है पूरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। काम करते हैं, मैं गाड़ी उठन लेता हूँ और गाँव में चलते हैं, गाँव में से आगे देखेंगे गाँव में क्या देखने को मिलता, कुछ नया चीज़ इस गाँव में चलेंगे अपन। सन्नाटा एरिया यार ये गांव, ये रास्ता किधर जाता है आइडिया नहीं, ये गांव है बिल्कुल, यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये रास्ता कहाँ निकलता है आइडिया नहीं, यहाँ से लेफ्ट या राइट, लेफ्ट मार
देख के अंदर साइड क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ गांव है, बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। ये टाइम पे सभी बाहर निकल जाते हैं लोग कमाने दमाने के लिए, इसके लिए यहाँ गांव में सन्नाटा रहता है। मेरे को अंदर जाना जरूरी नहीं है, मैं बाहर निकलूँगा। खैरियत भाई, हाँ मस्जिद वासे ना बहुत खूबसूरत दिखी मुझे, मेरा थोड़ा रुकना चाहिए। आसिफ भाई मिलकर अच्छा लगा। जी जी ब्लॉगिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग। और जैसे कि मस्जिद देख लेते हैं हम फिलहाल, ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है, ओके। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, देखिए माशाल्लाह। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, इस गांव में बहुत प्यारी ये खूबसूरत सी मस्जिद दिखी मुझे, इसलिए मैं जो सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। देख रहे आप, ये देखो ये मस्जिद है। और चाचा से मिलते हैं। आ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद की तस्वीर कर रहा है जी, ऐसे ही शूट करते वीडियो, ट्रैवलिंग करते। जी जी बैठिए बैठिए बैठिए। आप प्रॉपर कुंडा रहने वाले हैं? प्रॉपर कुंडा वाला, खास कुंडा। तो निकलते चाचा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी अच्छा लगा मिलके आपसे, चले दुआ में याद करें। हाँ चाचा, काफ़ी लोग अच्छे हैं यार यहाँ के, सच कह रहे, बड़ा अच्छा लगा इन लोग से मिलके। और यहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाया मस्जिद वाली खूबसूरत माशाल्लाह। और हम बाहर निकल रहे हैं गाँव से, लोग अच्छे हैं। एक बात तो है, गाँव के लोग बड़े अच्छे हैं, कहीं भी चले जाओ आपको एहतराम और इज्जत देते हैं लोग। और लाइफ में और क्या चाहिए यार, ज़िंदगी में एहतराम और इज़्ज़त, लोगों को इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगा। तो हम आगे के निकलते हैं यार। हम वापस उसी रास्ते पर आ चुके हैं, आप लोगों को छोटा सा गांव दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे गांव में जाकर। और आगे चलते हुए देखते हैं क्या है, कौन सा गाँव है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये विलेज है छोटा सा। और यहाँ से मैं आगे चले जाऊँगा, ये हदगवा के लिए रास्ता चले जाता है, और मैं इस वक्त अंदर चलूँगा। तो अभी मेरे दोस्त का कॉल आया था, सलाह मुंबई से आया है, इसने बुलाया अपने गांव में, बोला ठीक है आता हो। और यहाँ देखिए गाँव क्या शानदार है, क्या दू बढ़िया। ये हमारे दोस्त लोग हैं, बस हम सोचे विजिट कर लेते, इसके लिए तुमसे मुलाकात करने के लिए तुमने बुलाया साले, आओ आगे आओ उस से बैठते। ये मकसूद का गांव है जैसे देख सकते हैं, मेरा सद्दाम मेरा दोस्त, ये देखिए। और इन लोग से मुलाकात करने के लिए आए थे, भाई भाई बुलाए थे मुझे। क्या बात है सद्दाम, खैरियत? जैसे कि और जैसे कि ये कमीने दोस्त है हमारे सभी लोग। हाँ अब्बा के ये चीज तो दिखाना है बिल्कुल। अरे महाराज बड़ा कमीना है वे तू तो, ये गब्बर गब्बर। सलाम अलैकुम। और अच्छा खेरे थे ये हमारे चांद है,
ये मियां खलीफा का एड्रेस पूछ रहे हैं। मियां खलीफा ने सनी लियोनी किनको एड्रेस बताओ, ये जाएंगे जॉनी सिंह के पास। वो मूवी में आने लगा हमारा यार, तो कितना बेशर्म है ये, कितना बेशर्म है तेरे भाई। इन्हें बताओ, कोई लाज शर्म कोई इज्जत नहीं, जैसे कि देख सकते हैं इनको। तुम्हारे बाप की उम्र के है बेटे, शर्म करो। मियां खलीफा का भाई समझते हो, देखो शर्म करो, पीछे देखो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। अबे क्या एड्रेस तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, गलत है ना जाता ये, बदतमीज है ना ये। अरे जबर और जैसे कि ये देख सकते हैं, और इस गांव में हमारे भाई लोग मिल गए, और एक मेरा भाई का है सेबू है नहीं वो मुंबई में। यहाँ का माहौल देख के काफी मजा आया, काफी बेहतरीन है यार, मजा आ रही है इस गांव में घूमते हुए मुझे। ये सिद्धू भाई क्या बोलते, चलो गांव दिखा रहे हैं मुझे अपना। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये कुआं बंद है क्या भाई? हाँ अभी तो ये समर सबुल चालू हो गया है, ये देखिए सामने, और यहाँ खेती हुई है सामने। और यहाँ एक छोटी सी घूमती है इस गांव में जैसे देख सकते हैं, और बाकी सामान यहाँ नहीं मिलता, रोड पे जाना पड़ता, तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा ना सामान लाने के लिए। हाँ हाँ, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है ये, सच में बहुत पिछड़ा हुआ गांव है ये जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे अकबर भाई, ये बराई के हैं, और यहाँ से नहीं, ये मुंबई से आए हुए हैं, आज ही आए हैं, क्या बोलते हैं आज ही गांव घूमने के लिए आए हैं। हाँ, और हमारा जो परमानेंट वाला एक अलग क्रेज आया है, बेस बनाते थे। हाँ, फोकट करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग मिले मुझे, अच्छा लगा ये लोग से। और ये हमारे पुराने, हाँ हमारे पुराने दोस्त लोग है। और तुम तो मुंबई से कब आए बेटा ये बताओ? मुंबई से आए मेरे को काफी टाइम हो गया। सितारा बाबू, हाँ चेहरा के सामने छुप के बोल रहा खाली। हाँ चाचा, इस गांव के बारे में बताना कुछ चाहेंगे, गांव के जो लड़के लोग है कैसे हैं? और यहाँ का माहौल देख सकते हैं कितना शानदार है दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है इस गाँव में आ कर। क्या बोलते हैं, सब लड़के काफी अच्छे हैं, यहाँ इज्जतदार लोग है बड़े। ये तुम्हें क्या लगता है, ये इज्जतदार है? ये जो बैठा है हेलमेट पहन के, कहाँ बैठा है? हेलमेट पहन के जो पहना है ये? हाँ अपने जगह पर तो सही है, अपनी जगह मतलब बेइज्जत नहीं करना चाहते, इसको बेइज्जत नहीं करना चाहते, बेइज्जत कर दो थोड़ा। अब ऐसा है, ये लोग तो यहाँ रहते नहीं, सब बाहर रहते हैं, क्या पता चले कैसे हैं कैसे नहीं। एक महीने के लिए आए तो सही रहते हैं। हाँ ये बात तो है, परमानेंट रहे तो फिर। ये 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 छट्टी करने जा रहे हैं, अब हम मजा लीजिए। चलो मजा। अभी आप बोलो, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या चीज की तकलीफ है आपको यहाँ पे? अरे हम तो घर से राशन वासन मिला था कि नहीं? मिला था, ठीक है। बोलो बोलो, टेंशन नहीं, बोलो। तू का भी ढूंढिए सब, जेल ना हो, टेंशन ना ले। गाइस ये देखो, ये भालू का बच्चा आ रहा है, आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे, ये नए प्रजाति का भालू है। ए बुआ, करियाँ और यहाँ बाद में था, वही पहले हिया हुआ रिकॉर्डिंग होती है, पूरे गांव का सर्वे होता है, अब तू हम अब यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये देखो, ये मेरी बुआ है, खैर मेरी बुआ नहीं है, पूरे गांव की बुआ लगती हैं। और ये जिस किसी भाई की शादी होती है उसमें बहुत तगड़ा वाला डांस करती हैं, बिल्कुल झलक दिखला जा। अरे 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 बुआ, बस बुआ, क्या बात है चाची? चाची ना बुआ इन गांडू बुआ, बुआ चाची तुम्हारे लिए बुआ है तो क्या हुआ? एक सॉन्ग बजा, बुआ मेरी डांस करेगी। डांस करोगी चाची? बिना दक्षिणा के ना करिए। एक गाना बजा भोजपुरी में, तगड़ा वाला डांस होगा आज मेरे बुआ के साथ, मेरा भी कमरिया। देख सकते हैं काफी अच्छा लगा इस गांव में आकर, यहाँ के लोग, ये गांव है नरसिंहपुर, और ये मंदिर है, हाँ बहुत पुरानी मंदिर है। और यहाँ का देख सकते हैं कितना शानदार है गांव है बिल्कुल। ये देखिए इनकी लाइफ देख लीजिए कैसी है, काफ़ी अच्छी है, ना इनको दवा की ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की, ये हमेशा फिट रहते हैं यहाँ पे।
ये देखिए, ये मेरे सिद्धू भाई, क्या लगा दे रहे हो भी तुम? ठीक लगाइए ना। ये क्या बात है, चाची के आज भी बोले तो फॉर्म में है। काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे इनका एंटरटेनमेंट देख के, काफी मजा आ गया यकीन करें। एक मिनट भाई, ये क्या है? ये बर्तन है। तो कैसा है, मतलब गांव गांव घूमकर बेचते हैं क्या? हाँ, कैसा देते हैं ये? मोबाइल से। ओ भाई साहब, देख रहे मोबाइल से, मतलब मोबाइल क्या करते हैं आप? ये सब कंपनी में। अरे कंपनी है तो एक मोबाइल छोटा जैसा नोकिया दिए तो कितना कितना है? पूरा छोटा मोबाइल, छोटा कटोरा। और सैमसंग वगैरह बड़ा कैसा नहीं लेते, कैसा वाला नहीं लेते, बाकी छोटा वाला जो कीपैड वाला आता है ना वो लेते हैं, उसके बदले ये देते हैं। आप इतने दिन से तरक्की कर लेते हैं, कमा लेते हैं। अरे भैया बिकने को प्रभाव है, फिर भी कितना कमा लेते हैं? जो मिले भी आड़ी करेंगे, फिर भी कितना कमा लेते हैं? 2-2.5 रुपए मजदूरी हो जाती है डेली का, 2-2.5 हो जाता है इतने में, आपको खर्चा हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। दुरानी चले? हाँ हाँ चलो। बड़ा सुकून है, बड़ा ठंडा कुछ गाँव में। यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन है, कुछ खा लेते यार, भूख लगी है बहुत तेज। हम इस वक्त आए हैं एक नाश्ता करने के लिए, यहाँ पर छोटा सा कैंटीन मिला है। कुछ है क्या खाने पीने का? समोसा है, समोसा निकल रहा है। ठीक है, गुजिया दे दीजिए ना मुझे। हाँ दीजिए। हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। और इस वक्त टाइम जो हो रहा है फिलहाल 3 बज गया है। और देखिए गुजिया ये आ गई है, इस गांव की गुजिया खा के देखते हैं। पता नहीं किससे बना हुआ है, शक्कर है। खोवा और शक्कर और दही इसमें थोड़ा सा मिला हुआ है मिक्स से, अच्छा लग रहा है। और छोला बनवा रहा हूँ, और छोला भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का। और ये छोला आ चुका है हमारा, और छोले को टेस्ट करते हैं फिर इसके बाद बताते हैं आप लोगों को। समोसे में छोला नहीं डालना चाहिए था, नहीं मज़ा आया। गाँव तरफ जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो हमारा, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जिस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, शेयर करें। ओके तो हम सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक नए प्लेस और एक नए के साथ, तो जब तक का वीडियो ये पे है। ओके बाय, टेक केयर।